महोदय, जीएसटी एक आधुनिक भारत में हुई क्रांति है। इसके अनेक विशेषताएं, मैं 5 विशेषताओं को चिन्हित करूंगा। पहली विशेषता ये कि ये सभी राज्यों ने इकट्ठा आकर बनाया हुआ कानून, तय किए हुए रेट और तय किए हुए नियम, ऐसा कानून पहली दफा बना है। केंद्र सरकार अपने कानून करता है, राज्य सरकार अपने कानून करता है, लेकिन सभी राज्य इकट्ठा कर यह कानून बना, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और उसमें बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेडी है, डीएमके है, सीपीएम है, वाईएसआरसीपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, देश के सभी राजनीतिक दल बाहर कुछ भी बोले, इकट्ठा आकर ये कानून तैयार हुआ, इकट्ठा आकर उसके नियम बने, इकट्ठा आकर उसके रेट तय हुए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अद्भुत नमूना है और इसलिए हमें गर्व होना चाहिए इस जीएसटी पर। और अरुण जी का स्मरण सभी करते हैं कि सभी राज्यों को साथ लेने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो ये पहला विशेष है, जीएसटी काउंसिल ये दूसरा विशेष है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य है, लगभग हर महीने 2 महीने में मीटिंग होती है, सभी वित्त मंत्री आते हैं, बाहर आके कुछ भी बयान दे, लगभग 90% डिसीजंस यूनानिमसली हुए हैं। इसमें मेजॉरिटी की प्रोविजन है लेकिन निर्णय यूनानिमसली हुए। इतनी पारदर्शिता केंद्र सरकार ने रखी, इसीलिए ये इस तरह के निर्णय एकजुटता से हुए। तीसरा है कि इससे सबसे जो बड़ा मुद्दा था कि 30-40 कर वो एक हो गया, तो उससे पूरा लोगों की तकलीफ समाप्त हुई। और एक पहलू है जिस पर ध्यान नहीं ज्यादा जाता। मुझे एक दिन शाहपुर जी, पालन जी के मुखिया मिले तो वो कह रहे थे कि हमारे 30,000 वेंडर्स हैं लेकिन 6,000 ही रजिस्टर्ड थे। अब जीएसटी में एक जादू आई है, इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट के मिलने के लिए अब सबको लाइन में लगना ही पड़ता है, सर्कल में आना ही पड़ता है। तो अब 6,000 जहां थे वहां 30,000 हो गए। तो टैक्स का हिसाब दिया मोदी जी ने, देश को अकाउंटेबल बनाया और आसान भी बनाया। ये मोदी जी के राज की विशेषता है और जीएसटी उसका उदाहरण। तो इसलिए और 2 चीजें है ही कि स्टेट जीएसटी का तुरंत क्रेडिट राज्य को मिलता है, तुरंत 1 मिनट में। तो ये पहले कभी नहीं होता था, केंद्र से कुछ आना है तो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कांग्रेस के जमाने में। लीकेजेस सारे बंद हो गए क्योंकि अब लुका छपी कोई नहीं कर सकता, अब बात सीधी हो गई कि हर एक कोई अपना टैक्स भरेगा तो उसको आगे इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ये चेन चलती रहेगी और फाइनली जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो सरकार को मिलेगा और इसका कलेक्शन भी बढ़ रहा। 1,60,000 करोड़ हर महीने, यानी लगभग 20,00,000 करोड़ रुपए साल भर में केवल इसी एक टैक्स से मिल रहे हैं। और यह सबसे पारदर्शी, दुनिया की सबसे आसान सिस्टम बनी है
ये भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे दूसरा एक उसकी विशेषता लगती है कि कंटिन्यूअस रिफॉर्म हुए हैं। निर्मला जी ज्यादा बताएगी कि कितनी बार हर एक हमें सभी मंत्रियों को भी उस समय सभी राज्यों में भेजा था व्यापारी और जो टैक्स देने वाले हैं उनसे चर्चा करने के लिए कि उनके क्या सुझाव है। सुझाव मांगने के लिए दरवाजे में जाने वाली ये पहली सरकार है और सुझाव लिए और उस दुरुस्त भी किए। आज भी यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, इसीलिए जीएसटी पर लोगों को गर्व है। मैंने चार दिन पहले ही वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स मेरे पास आए थे पुणे में, तो उन्होंने एक जीएसटी में क्या सुधार होना चाहिए और भी और एक एक क्या अभी की प्रोविजन है उससे क्या परिणाम हो रहा है, क्या करने से कैसे ठीक होगा, ये अच्छी तरह से लिख के दिया। ये सुनवाई सुनने वाली सरकार है और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जीएसटी जैसे टैक्स सुधार ये देश को बल देते हैं, ये सुधार आम सुधार नहीं है। और खासकर मैंने देखा है कि टैक्स के बारे में कभी एक राय नहीं होती। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में ये मनरेगा जो आज है वो पहले हमारे यहाँ रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी 72 के अकाल में, तब प्रोफेशनल टैक्स लगाया था जो ज्यादा कमाते हैं उन पर। वो प्रोफेशनल टैक्स एक टैक्स था जो उदाहरण की सभी पार्टियों ने एक साथ तय किया और सर्वसम्मति से पास हुआ। ये कानून ऐसा ही हो गया और इसलिए जीएसटी ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार में, पारदर्शिता लाने में, और पारदर्शिता के साथ एक लोगों को आश्वस्त करने का कि ये पैसा आपका आया आपको भी तसल्ली होगी कि कोई हेराफेरी नहीं है। जीएसटी के कुछ केसेस होते हैं जिसमें कोई अधिकारी गड़बड़ी करते हैं तो बीच बीच में उनकी भी छानबीन होती है और ऐसे अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। तो ये एक सुदृढ़ प्रशासन का परिचय है और इसलिए मेरा मानना यह है कि जीएसटी जैसे कानून, जैसा तिवारी जी ने कहा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कानून जिसे संविधान संशोधन करना पड़ा, लेकिन वो इसलिए माइलस्टोन है कि जैसे ईबीसी का ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य है कि आज तक एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता, लेकिन जो अन्य समाज में भी गरीब है उनका क्या, तो गरीबी के आधार पर आरक्षण मिले, ये पहली दफा हुआ कानून और लोगों ने सहर्ष स्वागत किया, स्वीकार किया, सभी समाज उसमें आते। और इसलिए इस तरह के जो सुधार हुए हैं मोदी सरकार में, उसमें एक बेहतरीन पहलू है जीएसटी, यह हमेशा यादगार रहेगा और लगातार इसमें सुधार होता रहा है, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि नहीं तो फिर वहां अटक जाता है। लेकिन यह हर एक को अब सुकून है कि हमें अगर कोई अनुभव आया, गलत आया, शिकायत है तो शिकायत करेंगे, उसका सुधार होगा। तो ये इस कानून के सारे पहलू है, जो विशेष पहलू थे मैंने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।